जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी GD के 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए हैं। पेपर है और ये हमारा पार्ट वन होने वाला है। आज हम सभी पार्ट वन करेंगे। पार्ट वन में आप सब जानते हो कि हम सब दो पार्ट में लेकर आते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में 25 क्वेश्चन, पार्ट टू में 25 क्वेश्चन, तो उसी तरह से हम सब चलेंगे। तो देखिए, पार्ट वन में पहले सिलेबस देख लिया जाए एक बार रफली की रफली सिलेबस क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जीके से GD के टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। फिर हो गया देखो आपका जीएस मतलब जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और फिर है देखो आपका मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और फिर है लास्ट में देखो रीजनिंग, तो रीजनिंग से जो है आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 15 और 15 30 30 और 15 45 45 और 5 50। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? तो टोटल क्वेश्चन हो गए 50 और एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स होंगे इसका मतलब? तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 100। टोटल आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इसमें देखो आपका 1/2 निगेटिव मार्किंग होगा। 1/2 निगेटिव मार्किंग करने का मतलब है कि जब आप दो गलती करोगे तो आपका एक सही उत्तर का नंबर कट कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए, तो ये तो हमारा रफली सिलेबस हो गया। अब यदि आपको और डीपली में सिलेबस को जानना हो कि क्या होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, किस किस टॉपिक से किए जाएंगे, तो उस सिलेबस के वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां पर हमने काफी डीपली इंडियन आर्मी GD के सिलेबस को डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हो। चलिए, तो अब बात की जाए तो देखो, ये 2018 का पेपर है। हमने इससे पहले 2019 का पेपर का भी दो पार्ट में क्लियर अप कर दिया है काफी डीपली जाकर। तो यदि आप सब ने 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्लास मिस कर दिया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है। चलिए, तो अब हम सभी स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक नंबर सवाल किया गया है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, पूछा गया है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नील, बी यांगसी, सी गंगा या फिर डी अमेजोन। तो देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है देखो आपका अमेजन। और अमेजन कहाँ से निकलती है? तो देखिए, अमेजन निकलती है लैगो विल फेरो से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो निकलती है लैगो विल फेरो से। ये इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, अमेजन का उद्गम स्थान कौन सा है? तो उद्गम स्थान है लैगो विल फेरो। और यदि बात की जाए कहाँ पर गिरती है, तो गिरती है ये देखो जाकर आपका अंत में अटलांटिक महासागर में। कहां पर गिरती है? तो ये अंत में जाकर गिरती है आपका अटलांटिक महासागर में। ये क्या है? तो इसका आप बोल सकते हो गिरने का स्थान, अंतिम स्थान, अंतिम पड़ाव है इसका। चलिए, तो पता चल गया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है देखो आपका अमेजन। और ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो अमेजन का उद्गम स्थान है लैगो विल फेरो। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये गिरती है जाकर अटलांटिक महासागर में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। नंबर 2, दो नंबर सवाल दिया गया है, दिल्ली को किस संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चुना गया? हमसे पूछा गया कि दिल्ली को किस संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चुना गया है? ए 73वां संशोधन, 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 85वां संशोधन या फिर डी 72वां संशोधन। तो देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां संशोधन के द्वारा चुना गया। कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? तो वो है देखो आपका 69वां संशोधन। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल कर लेंगे। तीन नंबर सवाल किया गया है, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या था? हमसे पूछा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या था? ए टीकाकरण, बी रंगों का कार्यक्रम, सी जन स्वास्थ्य या फिर डी शिक्षा। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष इसे लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी के कार्यकाल में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। ये क्या था? तो एक योजना थी और ये योजना देखो बच्चों में टीकाकरण का था। ठीक है, किसके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में। मिशन इंद्रधनुष केवल किस लिए लॉन्च किया गया था, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था देखिए टीकाकरण। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल किया जा रहा है, बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? हमसे पूछा गया है कि बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी असम, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र।
तो देखिए बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बेतला नेशनल पार्क है आपका ए झारखंड में। और देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से 1974 ईस्वी के बीच में, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड राज्य में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से लेकर 1974 के बीच में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 पांच नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पांच नंबर सवाल किया गया है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? पूछा गया है पांच नंबर सवाल में कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ए प्रयाग, बी मथुरा, सी आगरा को, या फिर डी अयोध्या को। ऑप्शन दिए गए हैं ए प्रयाग को, बी मथुरा को, सी आगरा को, या फिर डी अयोध्या को। तो देखिए ईश्वर का निवास स्थान बताया जाए प्रयाग को। किसे कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान? तो ईश्वर का निवास स्थान किया कहा जाता है प्रयाग को। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। 6 6 नंबर सवाल किया जा रहा है, निम्न में से किस राज्य की दो राजधानियां हैं? हमसे बोला गया है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य की दो राजधानियां हैं? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो है दो राजधानियां हैं। इन्हें दो राजधानियों को बांटा गया है दो क्रम में, एक है ग्रीष्मकालीन और दूसरी है शीतकालीन, ठीक है। मतलब कि एक ठंड के लिए और एक गर्मी के लिए। मुंबई के महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन गर्म ऋतु के लिए गर्मी के लिए, एक है शीतकालीन शीत ऋतु के लिए ठंडी के लिए। तो देख लेंगे कौन कौन सी राजधानियां हैं। तो ग्रीष्मकालीन की यदि बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है महाराष्ट्र की वो है देखो आपका मुंबई, ठीक है। और यदि बात की जाए शीतकालीन राजधानी, मैंने बोला था दो क्रम में बांटा गया है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, तो ग्रीष्मकालीन हो गया मुंबई और शीतकालीन है देखो आपका नागपुर। तो इस तरह जो है मुंबई की दो राजधानियां हैं, कौन कौन सी? ग्रीष्मकालीन मुंबई और शीतकालीन नागपुर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल कर लेंगे। सात नंबर सवाल किया जा रहा है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमसे बोला जा रहा है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, मतलब वृद्ध गंगा किस नदी का उपनाम है? ए दामोदर, बी गंगा, सी ताप्ती, या फिर डी गोदावरी। तो देखिए वृद्ध गंगा जो है जिस नदी का उपनाम है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है वृद्ध गंगा? तो वो है आपका डी, और डी में क्या है? तो डी में दिया गया है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आठ नंबर सवाल दिया गया है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? ए बिहार, बी सिक्किम, सी गोवा, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए सबसे कम जिस राज्य की जनसंख्या है, जिस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या है वो है आपका सिक्किम, ठीक है। इस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश की देखिए अधिकतम जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख सकते हो, सिक्किम की न्यूनतम जनसंख्या है सबसे कम, और उत्तर प्रदेश की जो है अधिकतम जनसंख्या है सबसे ज्यादा। और ये जो रिपोर्ट है ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। चलिए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो वो देखो वो है आपका सिक्किम, और सबसे अधिकतम किसका है सबसे ज्यादा? तो वो है उत्तर प्रदेश। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल करेंगे। 9 नंबर सवाल दिया गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? ए अशोक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर डी चाणक्य। तो देखिए इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। किनके द्वारा की गई थी? तो जिनके द्वारा की गई थी उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल दिया गया है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? हमसे पूछा गया है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए गंगा, बी तुंगभद्रा, सी हुगली, या फिर डी यमुना। तो देखिए आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो आगरा है वो आपका देखो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर देख लेंगे। नंबर 11 11 नंबर सवाल किया गया है, BSF की स्थापना कब की गई? BSF क्या है? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि आपका बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान और कुछ जगहों पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर, साथ में कुछ कुछ म्यांमार के बॉर्डर पर भी होती है BSF। BSF की स्थापना कब की गई? पूछा गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई? ए 1965, बी 1961, सी 1975, या फिर डी 1999। तो देखिए BSF की स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी BSF की स्थापना?
तो BSF की स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। 12 नंबर सवाल किया गया है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है। हमसे पूछा गया कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार या फिर डी पंजाब। तो देखिए शांति निकेतन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ए नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देखिए इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शांति निकेतन को बनवाया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। किनके द्वारा बनवाया गया था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा, जिन्हें हम एक और नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल किया गया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। हमसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, वो कौन सी भारतीय महिला है जिन्हें पहली बार जो प्रथम भारतीय महिला है नोबेल पुरस्कार पाने वाली, ए डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, बी मैरी लीला राय, सी मदर टेरेसा या फिर डी मिताली राज। तो देखिए इसका सही उत्तर है सी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है प्रथम भारतीय महिला है नोबेल पुरस्कार पाने वाली। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल किया गया है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, ए झोपड़ा, बी झोपड़ी, सी महल या फिर डी मस्जिद। तो देखिए ढाई दिन का झोपड़ा ये क्या लगता है आप सभी को, ये एक मस्जिद है। ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अजमेर में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था जो कि अजमेर में है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जीडी के एग्जाम में जीके से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल दिया गया, भूमिज विद्रोह कहाँ पर हुई थी। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है भूमिज विद्रोह कहाँ पर हुई थी, ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी झांसी। तो देखिए भूमिज विद्रोह जो हुई थी वो आपका हुआ था झारखंड में। कहाँ पर हुआ था, तो ए नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है झारखंड, वहां पर हुआ था। समझ गए आप सब, कहाँ पर हुआ था भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका झारखंड में। और ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गंगा नारायण हंगामा जी के द्वारा, अध्यक्ष थे या नेतृत्वकर्ता आप बोल सकते हो। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी देखो 1932 में। ठीक है, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी देखो आपका 1932 में। जी 1932 नहीं, ये 1832 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब किया गया था, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था गंगा नारायण हंगामा जी ने। और इसका ये किया गया था झारखंड में। और झारखंड में कहाँ, तो ये हुई थी रांची में। ठीक है, झारखंड में कहाँ, तो झारखंड में रांची में हुई थी। और भूमिज विद्रोह कब किया गया था, तो ये किया गया था 1832 में। अब देखिए हमारे यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके का कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी जीएस स्टार्ट करेंगे। और जीएस के देखो आपके जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, जीएस सामान्य विज्ञान टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 तो हमारे जीके के हो चुके हैं, तो हमारे पार्ट वन में तो केवल 25 क्वेश्चन ही होंगे, तो इसलिए हम लोग 10 कर लेंगे जीएस के इस पार्ट में। बाकी पार्ट टू में 5 जो जीएस के बच जाएंगे वो हम पार्ट टू में ला लेंगे। तो चलिए, तो इस पार्ट वन में हम सब 10 जीएस के क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 16 नंबर सवाल हमसे किया गया है, समय का मात्रक क्या है। हमसे समय का मात्रक, समय का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए सेकेंड, बी कांटा, सी घड़ी या फिर डी घंटा। तो देखिए समय का जो एसआई मात्रक है वो होता है सेकेंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक होता है देख लो आपका सेकेंड। चलिए यहाँ पे हमारा 16 नंबर कंप्लीट होता है। अब 17 कर लेंगे। 17 नंबर सवाल किया जा रहा है, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। हमसे पूछा गया कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, ए 2.64 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 2.54 सेंटीमीटर या फिर डी 5.9 सेंटीमीटर। तो देखिए एक इंच में आपका टोटल 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है एक इंच में, तो एक इंच में आपका टोटल देख लो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर एक इंच में होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कर लेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, ए माइकल फैराडे, बी जेम्स वॉट। ये जेम्स वॉट यहाँ पे वॉश हो गया है,
कुछ गलती हो गई है लिखने में, ये जेम्स वाट है, ठीक है, जेम्स वाट, सी ग्राहम बेल या फिर डी हेम्फ्री डेवी। तो देखिए इसका सही उत्तर है डायनेमो का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। डायनेमो का आविष्कार किन्होंने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। उन्होंने आविष्कार कब किया था, तो उन्होंने आविष्कार किया था देख लो आपका 1831 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और वैज्ञानिकों के नाम भी दिए गए हैं, तो लगे हाथ जान लेते हैं कि इनमें से किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो देखो जेम्स वाट ने आविष्कार किया था स्टीम इंजन का, ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किस चीज़ का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, तो जेम्स वाट ने देखो आपका आविष्कार किया था स्टीम इंजन का, भाप इंजन का। अब आगे ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। और देखिए यहाँ पे दिया गया है हेम्फ्री डेवी, तो हेम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था सेफ्टी लैंप का, ठीक है। हेम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने आविष्कार किया था सेफ्टी लैंप का। अब जो क्वेश्चन था कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो वो किए थे 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे। और जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, स्टीम इंजन का। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का। हेम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने आविष्कार किया था सेफ्टी लैंप का। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19-19 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 19-19 नंबर सवाल किया गया है कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र बताएं। तो ऑप्शन दिया गया ए सी ए ओ एच, बी एन ए ओ एच, सी एन ए सी एल या फिर डी एन जी सी एल टू। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एन ए ओ एच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है एन ए ओ एच, और इसको हम सब किस नाम से जानते हैं, तो इसका एक और नाम है रासायनिक नाम, और वो क्या हो गया, तो वो हो गया देखो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20-20 नंबर सवाल करेंगे। 20-20 नंबर सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। हमसे पूछा गया कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, ए 6, बी 7, सी 9 या फिर डी 12। तो देखिए कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। कितनी होती है परमाणु संख्या कार्बन की, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो होती है 6। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल करेंगे। 21 नंबर सवाल दिया गया है अल्कोहल समूह की पहचान करें। देखिए ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 से दिया गया है, ठीक है। बोला गया है अल्कोहल समूह की पहचान करें। देखो आपका जीडी जो है वो टोटली 10th क्लास से होगा, तो इसीलिए 10th क्लास तो पूरा कवर अप रखना ही रखना, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोला जा रहा है अल्कोहल समूह की पहचान करें, ऑप्शन दिया गया ए ओ एच, बी सी आर सी एल, सी बी आर या फिर डी डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ओ एच, अल्कोहल समूह के अंत में ओ एच लगा होता है, ठीक है। अल्कोहल समूह को पहचानने का सबसे अच्छा रूल क्या है, कि अल्कोहल समूह के समूह में ऐसा ओ एच लगा रहेगा अल्कोहल समूह के अंत में, ठीक है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22-22 नंबर सवाल करेंगे। 22-22 नंबर सवाल दिया गया है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 से दिया गया है, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से। उसमें आपको क्लास 10th में आपको याद होगा आपको पढ़नी थी अभिक्रियता, अभिक्रियाशीलता किसकी कितनी होती है। तो उसी में देखो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम, ठीक है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो वो है आपका देखो पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद सेकेंड नंबर पे आता है देखो आपका सोडियम, ठीक है। तो सोडियम सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और पोटेशियम जो है फर्स्ट नंबर में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23-23 नंबर सवाल करेंगे। 23-23 नंबर सवाल किया जा रहा है निम्न में मिश्र धातु की पहचान करें। हमसे बोला जा रहा है कि निम्न में से मिश्र धातु कौन है उसकी पहचान करें, ए सोना, बी एल्युमिनियम, सी लोहा या फिर डी पीतल। देखो ये भी जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका क्लास 10th से ही है, और ये भी आपका चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में आपको पढ़ना था मिश्र धातु के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक था उस चैप्टर का, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन किया गया है। आप देख रहे हो उधर जो फिजिक्स में भी आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन किए गए डायनेमो के बारे में, इंच के बारे में और समय के बारे में, ये तीनों भी आपको क्लास 10th में तो पढ़ने ही पढ़ने थे। उसी तरह देख लो केमिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं ये सब भी क्लास 10th से ही आ रहे हैं। तो आप इतना जान लो ना कि जो आपके 15 मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं और 15 साइंस के, ये टोटल आपके 10th बेस्ड ही होंगे।
तो इसीलिए टेंथ का बुक तो एकदम रट लेना, अगर नोट कॉपी होगा तो नोट कॉपी चटंत कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोच के देखो 15 साइंस है टोटल, वो आपका टेंथ बेस है, 15 मैथ है टोटल टेंथ बेस है, तो समझ के देखो 30 मार्क्स तो केवल टेंथ की किताबें पढ़ने से ही आ जाएंगे, तो काफ़ी है ना भाई। 30 में से अगर 25 भी मिल जाती है तो बाकी तो इधर 15 जीके और 5 रीजनिंग है, तो बहुत मार्क्स हो जाएंगे। तो इसीलिए जो 30 मार्क्स आपके हैं 15 मैथ की और 15 जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, उसके लिए क्लास टेंथ के बुक को जरूर क्लियर अप कर लेना। तो दिया गया है मिश्र धातु कौन है, तो देखो यहाँ पे मिश्र धातु जो है वो है पीतल, ठीक है। मिश्र धातु कौन है यहाँ पे, तो मिश्र धातु जो है वो है आपका डी नंबर, और डी में क्या है, तो डी में है पीतल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल करेंगे, और 24 नंबर सवाल दिया गया, साधारण नमक का सूत्र क्या है। देखो ये भी आपका क्लास टेंथ से ही है, ये आपको चैप्टर 2 में पढ़ना था क्लास टेंथ के एनसीईआरटी बुक के। देखो बोला जा रहा है साधारण नमक का सूत्र क्या है, ए सी ए ओ एच, बी एम जी ओ एच, सी एन ए सी एल, या फिर डी एन ए ओ एच। तो देखिए इसका सही उत्तर है एन ए सी एल। साधारण नमक का सूत्र जो है वो होता है एन ए सी एल, और इसका रासायनिक नाम यदि बोला जाए तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा देखो आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, एन ए सी एल। चलिए ये हो गया हमारा, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है देखो ध्वनि क्या है। और देखो ध्वनि आपको कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं में पढ़नी थी, क्लास 8 क्लास 9th में आपको पढ़नी थी। देखो ध्वनि क्या है, ध्वनि पूछा गया कौन सी तरंग है, ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी यांत्रिक तरंग, या फिर डी चुंबकीय तरंग। तो देखिए ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि तो ध्वनि जो है आपकी देख लो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। क्या हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे आज के पार्ट वन के। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम सब पार्ट टू डिस्कस करेंगे, पार्ट टू में नेक्स्ट हम सब 26 से लेकर 50 तक डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।